शिक्षकों की समस्याएं तो अनेक हैं, लेकिन उन समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है साथियों। उन समस्याओं का समाधान तभी हो पाएगा जब हमारा संगठन के सारे पदाधिकारी एक होंगे। साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि आप मुझे प्रांत में लाते हैं तो मैं 5 के 5 पदाधिकारियों को एक साथ खड़ा करके रखूंगा। ये विश्वास दिलाता हूं आपको। जब तक हम बैठ से लेकर प्रांत तक के 1000 पदाधिकारी एक नहीं होंगे, तब तक हमारी कोई मांगे पूरी नहीं होंगी। साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ब्लॉक से लेकर प्रांत तक के हमारे 1000 पदाधिकारी होते हैं और बड़े शान से शपथ लेते हैं कि हम शिक्षकों की समस्याओं का समाधान करेंगे, हम एकता लाएंगे अंदर। जिस दिन 1000 पदाधिकारी हमारे निदेशालय में धरना दे देगा, उस दिन हमारी सारी समस्याएं एक एक करके सॉल्व होंगी। साथियों, और मेरे मिनिस्टर के साथी, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने उत्तराखंड के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का, जो आपने इस विषम परिस्थिति में भी हमारा साथिया अधिवेशन को संपन्न कराया, सफल किया। साथियों, हमारे अध्यक्ष जी द्वारा, महामंत्री द्वारा जो आपको विश्वास दिलाया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम पूरी कार्यकारिणी एक साथ मिलकर आपकी समस्याओं के लिए हमेशा आपके साथ रहेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाते हैं हम आपको कि हम ब्लॉक से लेकर प्रांत तक के 76 पदाधिकारी को एक साथ लेकर चलेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो हम हैं आपकी समस्याओं के लिए तुरंत, जो भी समस्या शिक्षकों की ज्वलंत समस्याएं होती हैं, हम पूरी प्रांत कार्यकारिणी आपके समक्ष तुरंत समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रस्तुत होंगे। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आज आपके सामने जिस तरह हम 5 पदाधिकारी आपके समक्ष एकत्र होकर खड़े हैं, मैं आपको विश्वास दिलाते हैं 2 वर्ष तक एक साथ ऐसे ही आपके साथ दिखेंगे। कहते हुए हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले समय में आपकी हर समस्याओं के लिए हम समाधान करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।